नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं ईश्वर उपाध्याय। जैसे जैसे मुसलमानों को पता चलता जा रहा है कि मुगल और इस्लामी आक्रांताओं ने जबरन उनके पूर्वजों का धर्मांतरण कराकर मुसलमान बनाया था, अब वो धीरे धीरे फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। हाल ही में देश भर में ऐसी कई खबरें सामने आई है जो कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। कुछ महीने पहले ही हरियाणा के हिसार के गांव में रह रहे 30 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इससे कुछ दिन पहले ही जिंद जिले के दनौदा गांव में रहने वाले 6 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। हाल ही में अलीगढ़ में भी कासिम खान ने अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम त्याग कर आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के पेट में इतना दर्द हुआ कि उन्होंने कासिम खान से करमबीर बने शख्स को जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ऐसी घटना सामने आई है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हिंदू धर्म में घर वापसी करने वालों से इस्लामिक उग्रवादियों की जमात किस तरह से बौखला गई है। दरअसल रायबरेली जिले के रहने वाले व्यक्ति ने इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार किया था, लेकिन इलाके के कुछ कट्टरपंथियों को यह बात नागवार गुजरी, जिसके बाद इन जिहादियों ने ऐसी हरकत की कि शायद ही कोई सोच पाए, क्योंकि मजहबी उन्माद में अंधे हुए कुछ जाहिलों ने हिंदू धर्म में वापसी करने वाले शख्स के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के दौरान घर में उसके बच्चे भी मौजूद थे, किसी तरह सभी ने अपनी जान बचाई, लेकिन घटना में उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके ये कट्टरपंथी किस तरह से दूसरों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। बता दें कि लगभग 5 महीने पहले रायबरेली सलोन स्थित रतोसा गांव के निवासी मोहम्मद अरवन ने कोकोना घाट पर हिंदू धर्म में वापसी की थी। धर्मांतरण के बाद मोहम्मद अरवन ने अपना नाम देव प्रकाश पटेल रख लिया था। धर्मांतरण के बाद उसने अपने तीनों बच्चों रेहान, अली, खुशी का नाम देवनाथ, देवी दयाल और दुर्गा देवी कर लिया था। देव प्रकाश पटेल ने मुंडन करवाने के बाद पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी की थी, लेकिन उसके आसपास रहने वाले कट्टरपंथियों को यह बात हजम नहीं हुई। शनिवार को ग्राम प्रधान ताहिर अहमद ने देव प्रकाश पटेल के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के दौरान घर में मौजूद सभी लोग सो रहे थे। देव प्रकाश ने किसी तरह अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस मामले पर सलोन SHO पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल देव प्रकाश पटेल धर्मांतरण से पहले फकीर ब्रादरी से ताल्लुक रखते थे। कुछ साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनके सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती थी। इसी बीच आसपास के रहने वाले हिंदू परिवारों ने बिना किसी भेदभाव के उनकी काफी मदद की थी। वो इस बात से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया। देव प्रकाश ने हिंदू धर्म स्वीकार करने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उन्होंने ये कदम अपनी इच्छा से उठाया है, लेकिन ज्यादा मानसिकता वाले को ये सब रास नहीं आया और उन्होंने देव प्रकाश पटेल के घर पर हमला करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। इस तरह की ज्यादा सोच रखने वाले कट्टरपंथियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।